مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे मोहतरम दीनी भाइयों, अल्लाह की ज़ात कितनी रहीम, कितनी करीम और कितना मेहरबान वो अल्लाह है जो अपने गुनहगार बंदों को मुख्तलिफ मौके अता फरमाता है अपने गुनाहों से तौबा करने के, मुख्तलिफ मौके। साल के 365 अयाम में ऐसे मुख्तलिफ मौके आते हैं कि जिन मौक़ों में अल्लाह फरमाते हैं थोड़ी सी इबादत कर लो, थोड़ा सा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, मैं तुम्हारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। कुछ कुछ मौके तो अल्लाह ऐसे अता फरमाता है कि नेकी एक करो सवाब 10 गुना अता करूँगा, और उस नेकी के बदले में पिछले गुना माफ भी करूंगा, तुम्हारे दर्जात को बुलंद भी करूंगा। तो वो साहब बड़ी करीम, बड़ी रहीम, बड़ा मेहरबान अल्लाह है, मुख्तलिफ मौके देता है मेरे भाई। जैसे कि ये रजब और शाबान का महीना, रिवायतों में आता है कि जब रजब का महीना शुरू होता है तो अल्लाह के रसूल दुआ फरमाते, अल्लाह की जिंदगी में कभी अपनी उम्र बढ़ाने की दुआ नहीं की, खात्मा बिल खैर की दुआ की है, अल्लाह जब भी मौत आवे तो अच्छी मौत आवे। लेकिन ये दुआ देखिए, रमजान के बारे में दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्म बारिक लना फी रजब व शाबान, अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा दीजिए, वो बल्ले बना रमजान और हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए। और जब शाबान का महीना शुरू होता तो फरमाते शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला ना फरमाती हैं, आप ससुर की ज़ौजाए मोहतरमा है, हम सब की माँ है, फरमाती है मैंने कभी अल्लाह के रसूल को 2 महीने के रोजे मुसलसल रखते हुए नहीं देखा, लेकिन शाबान में इतनी कसरत से रोजा रखते थे कि ऐसा लगता था शाबान को रमजान से मिला दिया। कभी कभी आपकी जिंदगी मुबारक में शाबान के महीनों में कभी कभी इतनी कसरत के साथ रोजा रखते थे कि अज़वाजे मुतहर्रात यूं फरमाती हैं, हमें यूं लगता था अल्लाह के रसूल रोजा रखना बंद नहीं करेंगे, रोजा चालू ही रहेगा।
और कभी कभी शाबान के महीने में रोजा छोड़ भी देते थे। सहाबा ने पूछा, अज़वाज मुतहरात ने पूछा, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मुशहरी, शाबान तो मेरा महीना है, वह रमजान मुशहरुल्लाह, और रमजान अल्लाह का महीना है। तहवील क़िबला, पहले मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ देखकर नमाज पढ़ते थे। अल्लाह का जो हुक्म आया कि अब से आपका क़िबला बैतुल्लाह है, तो ये हुक्म चारों नमाज में आया था। ज़ोहर की नमाज में थे अल्लाह के रसूल सहाबा के साथ, और जिस जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज सहाबा को पढ़ा रहे हैं, चारों नमाज में अल्लाह का हुक्म आया कि अब से आपका क़िबला बदल गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारों नमाज में मुड़ गए, सहाबा भी हुजूर को देखकर मुड़ गए। ये वाकया बाज मुहद्दिसीन का कहना है कि शाबान 15वीं शाबान की ज़ोहर में पेश आया, बाज लोगों ने रजब का भी कहा है, लेकिन ज्यादातर मुहद्दिसीन का कहना है कि ये 15 शाबान की ज़ोहर में ये वाकया पेश आया, जिसको तहवील क़िबला कहते हैं, क़िबले को बदल देना। और शाबान का महीना मेरे भाइयों रमजान का मुकद्दमा है, रमजान की तैयारी है। इसमें तो आइंदा जुमा को इंशाअल्लाह शबे बारात और उस अजीम रात के मुतालिक गुफ्तगू होगी, लेकिन हम अभी आपको ये बताना चाहते हैं कि शाबान का महीना ये रमजान का मुकद्दमा है, और ये मौके मुख्तलिफ मौके, रमजान को पूरा अल्लाह ने रहमतों का बारिश वाला महीना बना ही दिया, लेकिन उसके अलावा 11 महीनों में अल्लाह मुख्तलिफ मौके देते हैं। मुहर्रम के 10 दिन दे दिए, ज़िलहिज्जा के 10 दिन दे दिए, मुख्तलिफ मौके अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अता फरमाते हैं, ताकि ये भटकती और सिसकती हुई इंसानियत जो अपने रास्ते से भटक गई है, जब भी उसको अल्लाह की याद आ जाए तो वो अपने रास्ते पर वापस आए। और ये तमाम चीजें इसीलिए है कि हर इंसान को फिक्र आखिरत नसीब हो जाए। आप देखिए, फिक्र आखिरत है तो हम सब ये काम करते हैं। अगर आखिरत की कोई फिक्र ना हो और कल मरने के बाद अच्छे अमाल के ऊपर अल्लाह की तरफ से जजा मिलेगी, बदला मिलेगा, और बुरे अमाल के ऊपर सजा मिलेगी, ये जो तसव्वुर है, ये जो थॉट है, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको नसीब फरमाया, हमको सिखाया है, यही वो थॉट है कि जिसकी वजह से चिलचिलाती हुई धूप के अंदर भी हम ज़ोहर की नमाज पढ़ने आते हैं, और इतनी जबरदस्त सर्दी के अंदर भी अपने लिहाफों से और अपने बिस्तरों से निकलकर फजर की नमाज को इसीलिए आते हैं कि कल कयामत के दिन इसका बदला मिलने वाला, वरना किसको खौफ, इस्लामी सल्तनत थोड़ी, आज मैं और आप फजर की नमाज में नहीं आएंगे तो किसी का डर थोड़ी है कि कोई हमें मारेगा, ज़ोहर की नमाज में नहीं पहुंचेंगे तो कोई बादशाह का डर थोड़ी है कि हमें सजा देगा, नहीं, डर है आखिरत का, आखिरत का खौफ, उम्मीद अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमको दिलाई है कि तुम्हारी ये पूरी जिंदगी और जिंदगी की ये रूटीन, ये लाइफ और रोजमर्रा के जो तुम्हारे काम हैं, तुम्हारे हर काम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जजा और सजा का फैसला कर रखा है। अगर अच्छे करोगे, हमारे बताए हुए अहकाम के मुताबिक करोगे, कल कयामत के दिन जजा मिलेगी, बदला मिलेगा, और अगर नाफरमानी करोगे तो सजा मिलेगी। उसी को अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, इस आसमान और इस जमीन और उसके बीच में अल्लाह की ऐसी कितनी निशानियां हैं कि जिनके पास से रोजाना तुम गुजरते हो, लेकिन उसके बावजूद कोई इबरत हासिल नहीं करते, बल्कि मुंह फेर कर चले जाते। इंसान थोड़ा ही अगर गौर और फिक्र कर ले, ये आसमान में, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये आफ्ताब, ये महताब,
ये चरिंदे परिंदे दरिंदे, ये इतना बड़ा समंदर, ये हमारे लिए छोटे से दाने के अंदर से मुख्तलिफ किस्म के अल्लाह तबारक व तआला का गल्ला उगाना, सब्जियां मछलियां मुख्तलिफ किस्म के गोश्त, किस्म किस्म के खाने मशरूबात, ये तमाम चीजें पूरी रूटीन लाइफ जो हमारी बनी हुई है मेरे भाई, इंसान अगर उसके ऊपर गौर फिक्र करे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, खुदा उसको वहीं से समझ में आ जाए। अल्लाह उसी को फरमाते हैं मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्ध, आसमानों और जमीन में अल्लाह की कई ऐसी निशानियां हैं, यमुर्रून अलैहा, जिनके ऊपर से रोजाना तुम गुजरते हो, वहुम अन्हा मुरिजून, लेकिन तुम गौर फिक्र नहीं करते हो, मुंह फेर कर वहां से चले जाते। इंसान जब अल्लाह की तरफ से कोई हालात आते हैं तभी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, वरना अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। जलजला आ गया मस्जिद फौरन भर जाएगी, फजर के अंदर भी आपको मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी। अपनी जात पर पर्सनली अगर कोई हालात आ गए तो फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगा, वरना अल्लाह की तरफ इंसान मुतवज्जे होने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह तबारक व तआला भी उन्हीं बंदों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और जब देखते हैं कि सिराते मुस्तकीम से हट रहा है फौरन उसकी रस्सी को थोड़ा टाइट कर लेते हैं, झिझोड़ देते हैं अल्लाह ताला, ताकि मेरा बंदा भटक न जाए, मेरे रास्ते पर वापस आ जाए। कुरान करीम की आयतें इन्हीं बात को बताती है, वरना हम बार बार मिसालों में बोलते कि एक अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। एक माँ, दुनिया की एक माँ जब अपने नाकारा बेटे को तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वह अल्लाह अपने बंदों को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। अरे वो तो ईमान वाले नहीं, गैर ईमान वाले बंदों को भी तकलीफ में बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो हालात क्यों लाता है, जलजले क्यों लाता है, लोगों को जमीन में क्यों धसाता है, पत्थरों की बारिश क्यों करता है, तुम्हारे कारोबार से बरकतों को क्यों छीन लेता है, तुम्हारी औलाद को नाफरमान बनाकर तुम्हें आजमाइश में क्यों मुबतला करता है, तुम्हें बीमारियों में मुबतला करके तुम्हें आजमाइशों में क्यों डालता है। वो अल्लाह चाहता है कि ये थोड़े थोड़े हालात दुनियावी जिंदगी में आ जाते हैं और बंदा अगर इसको देखकर सबक हासिल कर ले तो ये सस्ता सौदा है। कुरान करीम की आयतें इन्हीं बात की तरफ हमें इशारा करती है। चुनांचे सूरह निसा की आयत अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, राय के दाने के बराबर भी अल्लाह अपने बंदे पर कभी जुल्म नहीं करता। ये सोचना भी गुनाह है कि अल्लाह कभी अपने बंदे पर जुल्म कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा वइन तकु हसनतन युज़ाइफ़हा, अगर तुम हल्की नेकी भी लेकर आते हो तो वो उसको दुगना कर देता है, हल्की नेकी भी लेकर आते हो तो वो उसको दुगना कर लेता है। वयुतिमिल लदुनहु अजरन अज़ीमा, और अपनी तरफ से बहुत बड़ा अजर भी अता फरमाते। वो अल्लाह कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करते। आज बंदे बिगड़ जाते हैं, सही रास्ते से भटक जाते हैं, जैसे कि दुनिया के हालात में बेटा जब गलत रास्ते से हटता है बाप उसकी तरबियत की फिक्र करता है, नहीं चाहता मेरे बाप के बेटे को अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग करे, लेकिन उसके बावजूद उसको उठाकर बॉडी में डाल देता है, उसको किसी ऐसी जगह पर भेज देता है घर के घर से दूर जाए, लेकिन उसकी परवरिश सही, वो सही ईमान की तरफ मुतवज्जे हो जाए। उस बाप को पूछिए कि जिस जिगर के कोशे को, जिस जिगर के टुकड़े को उसने पाला है, आज उसको अपने से दूर करके उस बाप पे क्या गुजरती, लेकिन फिर भी वो करता है, दिल पे पत्थर रख के भी अपने औलाद को अपने से दूर करता है ताकि वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को सीखे, कुछ नई चीजें मालूम करे, उसकी सही परवरिश हो, जिम्मेदारी का एहसास हो। ये तमाम चीजों के लिए बाप अपने से बेटे को दूर करता है। यही हाल अल्लाह तबारक व तआला का है। जब बंदा सिराते मुस्तकीम से भटकता है, फिक्रे आखिरत से हट जाता है, आखिरत की फिक्र जब उसको नहीं रहती तब अल्लाह ताला थोड़ी रस्सी को टाइट कर लेते ताकि मेरा बंदा आ जाए उसकी तरफ, वरना जिससे बहुत नाराज हो जाता है ना मेरे भाइयों, उससे तो तौबा की तौफीक भी छीन लेते। जिससे अल्लाह बहुत नाराज हो जाता है
उससे तो तौबा की तौफीक भी छीन लेता है। एक बात यह सुनाऊ आपको, एक आदमी कब्रिस्तान के अंदर मुर्दों के साथ जाके जीना किया करता। अब ये आप अंदाजा लगाइए, जीना खुद एक कितनी बुरी चीज है, और फिर कब्रिस्तान में करना उससे भी ज्यादा बुरी चीज, मुर्दा औरत के साथ कब्र को खोद कर जीना करना, इससे ज्यादा घिनावनी चीज कोई नहीं हो सकती। चुनाव एक आदमी कब्रिस्तान में जाके किसी मुर्दा औरत के साथ उसकी कब्र को खोल के जीना कर रहा है, वक्त का जो बादशाह था, रात को सोया हुआ है, कोई सफेद कपड़े वाला उसको ख्वाब में आकर कह रहा है कि तुम्हारे इलाके के कब्रिस्तान में एक आदमी एक औरत के साथ, मुर्दा औरत के साथ जीना कर रहा है, तुम जाओ और उसको पकड़ के लाओ और अपना वजीर बना दो। वो बादशाह कोई सवाल करे उससे पहले उसका ख्वाब टूट गया, उसका सपना पूरा हो गया। उसने फौरन अपने सैनिकों को बुलाया और कहा कि फुला कब्रिस्तान में एक आदमी होगा, उसको लेकर आओ। जब सैनिक कब्रिस्तान में पहुंचे, उसने देख लिया उस आदमी ने कि बादशाह के लोग आए हैं, तो वो घबरा गया। सैनिकों ने जाकर कहा कि बादशाह ने आपको बुलाया। जब वो आदमी बादशाह के पास पहुंचा तो बादशाह ने कहा कि आज से आप हमारे वजीर। दूसरे दिन बादशाह ख्वाब में था, वही सफेद कपड़े वाला आदमी दोबारा ख्वाब में आया तो बादशाह ने उनसे पूछा कि यह आदमी तो मुर्दा औरत के साथ जिना करता था, आपने मुझे कहा कि इसको वजीर बना दो, क्या बात है? कहा कि अल्लाह इससे इतने ज्यादा नाराज थे, अल्लाह नहीं चाहते थे कि इसको कोई सजा दे ताकि वो संभल जाए और तौबा कर ले, अल्लाह इतने नाराज है कि इससे तौबा की तौफीक छीन ली, अल्लाह ने चाहा कि इसको वजीर बना दो ताकि ये समझे कि मेरी तो कोई पकड़ करने वाला ही नहीं है, ताकि अपने गुनाहों में और ज्यादा मुब्तला हो, जिसको कुरान के 11वें पारे में अल्लाह फरमाते फी तुगयानिहिम यामहून, ये लोग अपनी सरकशी में भटकते रहते। इसलिए मेरे भाई उलमा फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करने में आपको कोई रुकावट नहीं है तो ज्यादा अल्लाह से डरने की जरूरत है। आप कोई गुनाह करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है तो समझ लो कि अल्लाह बचाना चाहते हैं, और कोई रुकावट नहीं है। आप जब चाहे चोरी कर लेते हैं, आप जब चाहे, आपके लिए कोई रुकावट नहीं है, आप जिना कर लेते हैं, आप जब चाहे अपने पावर का इस्तेमाल करके किसी पर जुल्म कर सकते हैं, तो याद रखो अल्लाह ने अपनी तवज्जो तुम्हारी तरफ से हटा दी, अल्लाह नहीं चाहते हैं कि तुम तौबा करो। इसी को अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फकुल्लन अखदना बिज़म्बी, हर एक को उनके गुनाहों की बुनियाद पर हम पकड़ते हैं। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर हम आंधी मुब्तला कर देते हैं, आंधी, जबरदस्त हवाएं चलती है, आंधी और तूफान चलते हैं, कुछ लोगों को आंधी और तूफान में मुब्तला कर देते हैं। मन सैहा, कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह की चीख आके पकड़ लेती है, और अल्लाह की चीख इतनी ज्यादा सख्त होती है कि इनके जिगरे भर जाते। वमिन हुम मन खसफना बिहिल अर्ध, और कितने ऐसे हैं कि जिनको हम जमीन में धंसा देते हैं। वमिन हुम मन अगरकना, कितने ऐसे हैं कि जिनको हम जमीन समुंदर के अंदर डिबो देते हैं। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, इन तमाम चीजों के बाद याद रखो कि अल्लाह जुल्म करना नहीं चाहता। वलाकिन कानु अनफुसहुम यज़लिमून, ये लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं, अल्लाह जुल्म नहीं करता। ये सोचना भी गुनाह है कि तुम ये सोचो कि अल्लाह ने हम पर जुल्म किया। अल्लाह कभी अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह अगर हालात में मुब्तला करता है तो फौरन मुतवज्जे हो जाओ उस जात की तरफ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हालात ला के तुझे मुझे तेरी तरफ मुतवज्जे कर दिया। इसलिए कहते हैं कोई आदमी ज्यादा बीमारी में मुब्तला हो जाए तो दुआ सिखाई कि दुआ करो अल्लाह, हम जानते हैं कि आप बीमारी में मुब्तला करके मेरे गुनाहों से मुझे बचाना चाहते हैं, मुझे पाक साफ करना चाहते हैं, लेकिन मैं कमजोर बंदा हूं, बीमारी को बर्दाश्त नहीं कर सकता,
ये बीमारी भी तेरी नेमत है लेकिन मैं कमजोर बंदा हूँ, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए अल्लाह इस बीमारी को नेमत के अंदर, तंदुरुस्ती के अंदर वो बदल दो। ये दुआ सिखाई गई मेरे भाई। पता चला दुनिया का ये पूरा निजाम, ये पूरी रूटीन लाइफ सुबह से लेकर शाम तक मैं और आप जो जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की तौफीक के मुताबिक जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं, नेकी के जो भी काम करते हैं, ये तमाम फिक्रें आखिरत की वजह से हैं। अल्लाह आखिरत का फिक्र हम सबको दिलाना चाहते हैं ताकि याद रहे हर वक्त, इंसान अपने दिमाग से इस बात को न निकाले कि एक न एक दिन मुझे अल्लाह के हुजूर पेश होना, अल्लाह के पास मुझे जाना है, यही फिक्र आखिरत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल नबूवत के बाद की जिंदगी, जिसमें 13 साल मक्का के और 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा के, सहाबा को यही फिक्र आखिरत दिलाई थी। चुनांचे एक दो तीन वाकियात आपको बता दूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक खादिम था, गुलाम था। उसने एक मरतबा कोई खाने की चीज पेश की, हजरत को सख्त भूख का तकाजा था, फौरन खा ली। खाने के बाद अपने गुलाम से पूछा कि ये खाने की चीज तुम कहां से लाए। तहकीक करने पर पता चला कि ये चीज शक वाली थी। फौरन अपने गले के अंदर उंगलियां डाल डाल कर एक लुकमा जो खाया था वो भी निकालने की कोशिश की, जितना खाया था सब तय कर लिया और फरमाया, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कोई जिस्म अगर हराम की कमाई से परवरिश पाता है तो उस जिस्म के लिए ज्यादा मुनासिब यही है कि वो जहन्नम की आग में जाके जले, उस जिस्म को बाकी रहना मुनासिब नहीं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस शक वाली चीज से मेरे जिस्म के अंदर बढ़ोतरी। हजरत माइज़े असलमी रजी अल्लाह तआला जिना हो गया, गुनाह हो गया, एक औरत से जिना कर बैठे, लेकिन फिक्र आखिरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का यह नतीजा था कि कोई देखा नहीं था, किसी ने जिना करते हुए किसी ने उनको देखा नहीं था। अगर न बताते तो अल्लाह उसके अलावा किसी को पता नहीं चलता, लेकिन खुद अल्लाह के रसूल के पास आकर कह रहे, या रसूल अल्लाह जिना जैसा बहुत बुरा काम मुझसे हो गया है, दुनिया की जो भी सजा हो मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आखिरत की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि जानते थे कि शादीशुदा आदमी अगर जिना करता है तो कुरान में उसकी सजा यह है कि उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाए। चुनांचे एक दिन आया, मक्का के बाहर ले जाकर इनको पत्थरों से मार दिया गया। पत्थर मारते मारते उनके बदन के खून का एक छींटा, एक कतरा एक सहाबी के कपड़े पर आया तो वो सहाबी ने थोड़ी सी गिन महसूस की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे तुम माइस के खून से गिन महसूस करते हो, फकत ताब तौबतन कि माइस ने ऐसी तौबा की है कि अगर उसकी तौबा को मक्का वालों पर तकसीम कर दिया जाए तो पूरे मक्का की मगफिरत हो जाए। हुजूर ने फरमाया ऐसे ही मक्का की एक और औरत हजरत मुगैबिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, उनसे भी जिना हो गए। जिना करते हुए किसी ने नहीं देखा था लेकिन आखिरत का फिक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की वजह से ऐसा आ गया था, आके कहने लगी, या रसूलुल्लाह मुझसे जिना हो गया, आखिरत की सजा बर्दाश्त तो नहीं कर सकती या रसूलुल्लाह, दुनिया में जो सजा हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। हुजूर ने फरमाया कि ये प्रेग्नेंट है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारे पेट में बच्चा है, जाओ जब बच्चे को जन्म दे देना तब आना। उस औरत ने जब बच्चे को जन्म दिया, आखिरत की फिक्र ऐसी सवार थी कि बच्चे को उठाकर अल्लाह के रसूल के पास आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैंने बच्चे को जन्म दे दिया है, अब मुझे जिना की जो सजा हो लागू कर दीजिए। हुजूर ने फरमाया इस बच्चे को अभी तुम्हारी जरूरत है क्योंकि ये तुम्हारा दूध पीता है, अभी जाओ जब ये बच्चा दूध छोड़ दे तब लेके आना। बोझल कदमों से वापस चली गई। चुनांचे एक जमाने के बाद बच्ची को उठाकर लाए, उस बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। ये बताना चाहती थी कि ये बच्चा को दूध छोड़ दिया और अपना खाना खुद खाता है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुगैबिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को जिना की सजा लागू की।
और फिर यही बात फरमाई कि मुगैरिया ने वो तौबा की है कि अगर उसकी तौबा को तुम मदीना वालों पर तकसीम कर दिया जाए तो सबकी मगफिरत हो जाए। क्या था मेरे भाई ये फिक्र आखिरत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने सहाबा को परवरिश और तरबियत का ये नतीजा था। और जब जब भी इंसान इस आखिरत की फिक्र से गाफिल हो जाता है अल्लाह किसी न किसी आजमाइश के अंदर मुब्तला करता है। इसलिए अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश अगर आती आपकी रोजाना की बनी हुई जो रूटीन लाइफ है उस लाइफ में कोई ना कोई डिफरेंस कहीं पर आ जाता है तो फौरन मुतवज्जे होने की जरूरत है, यू टर्न लेने की जरूरत। इतने दिन से मेरे कारोबार में बरकत चल रही थी, क्या हो गया अचानक मेरे कारोबार को? दूसरों का चल रहा है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, बात क्या है? अब तक मेरी तंदुरुस्ती ठीक ठाक थी, अभी मेरी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया, आखिर बात क्या है? अब तक मेरे बच्चे मेरी औलाद फरमा बरदार थी, नाफरमान हो गई, आखिर बात क्या है? लोग अब तक मेरे पास में रहते थे, लोग अब मुझसे दूर भागते हैं, मुझसे बिछड़ते हैं, क्या है? क्या मैंने रिश्तेदारी का ख्याल रखना छोड़ दिया? मेरे भाइयों पूरी रूटीन लाइफ को ऑब्जर्व करो, उसको गहराई में जाओ, डीप में जाओ, मालूम करो कहीं ना कहीं कोई गलतियां ऐसी हम कर बैठते हैं कि जिसकी वजह से आखिरत की फिक्र से हम दूर हो जाते हैं, तब जाके अल्लाह रस्सी को थोड़ा टाइट कर देते हैं। इसीलिए हालात आए हुजूर के जमाने में अगर आंधी थोड़ी हवा थोड़ी तेज हो जाती थी सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल मस्जिद की तरफ चले जाते, अल्लाह के रसूल मसीह की तरफ चले जाते थे, मुतवज्जे हो जाते थे। अल्लाह हम सबको फिक्र आखिरत नसीब फरमाए। और यही शाबान के महीने में हमें यही बात की तालीम दी जाती है मेरे भाइयों कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान तो मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। और हुजूर शाबान के महीने में जिस तरीके से रोजों का एहतिमाम करके रमजान की तैयारी कर दिया करते थे मेरे भाइयों, हमको भी रमजान की तैयारी इसी तरीके से करते। अगर रोजा रख पाते फिर जुमेरात को बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, अपने कारोबार का हिसाब करना शुरू करो, कारोबार का हिसाब करना शुरू करो। ये पूरा महीना है, जकात घर के आप रमजान मुबारक के अंदर अदा करो, क्योंकि रमजान में 1 रुपये का 70 रुपया मिलता है, इसलिए रमजान में जरूर अदा करो। लेकिन अभी से 1 महीना आपके पास है, अपने पूरे कारोबार, अपनी आमदनी, अपना पूरा जो निजाम है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो भी आपका हो उसका पूरा का पूरा निजाम का हिसाब लगाओ, और हिसाब लगाने के बाद उसकी जो भी जकात का सिस्टम और तरीका है वो अदा करो। मेरे भाई जब जकातों में कमी होना शुरू हो जाती या जकातों में लोग हिले बहाने करने लगते हैं तब सबसे पहले अल्लाह के अजाब उस कौम के ऊपर उतरते हैं। इसको समझने की जरूरत है। इस टॉपिक पे आइंदा फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो हमने कहा उस पर अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अल्लाह फिक्रे आखिरत नसीब फरमाए, रमजान से पहले रमजान की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीकल करीम व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहम अर्राहिम।